हेलो फ्रेंड, मैं हूं बाबूराम मौर्य और आप देख रहे हैं GGIMS टेक्निकल चैनल्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एसी करंट चलता कैसे है और उसे अल्टरनेटिव करंट क्यों कहते हैं। आइए आपको हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं उसे कि एसी करंट कैसे चलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि एसी करंट का चाहे फेस सिरा हो और चाहे न्यूट्रल सिरा हो, दोनों एक सेकेंड में 50 बार बदलता रहता है। यानी कि फेस सिरा एक सेकेंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस में बदलता है, और ऐसे ही न्यूट्रल वाला सिरा भी एक सेकेंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस में बदलता रहता है। कैसे बदलता है उसको हम ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हो गया 0 वोल्ट का लेवल, और यहाँ पे माइनस 220 वोल्ट का लेवल, और ऊपर में हो जाएगा प्लस 220 वोल्ट का लेवल। जब हमारा अल्टरनेटर घूमना शुरू करता है, घूमता है, तो जो एसी विद्युत जो जनरेट होती है वो पहले 0 वोल्ट से जनरेट होती है। यानी कि 0 वोल्ट से स्तर से यहां से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 करके इस तरह से बढ़ती है और चला जाएगा कहां, 220 वोल्ट के प्लस लेवल पर। यानी कि 220 वोल्ट तक जितना यानी वोल्टेज रहेगा उतना मान पे प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से घटते घटते हुए आएगा क्रम से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस की तरफ जाती है। अब यहाँ से इस तरह से जाएगा माइनस 220 वोल्ट, यहाँ पर देख रहे माइनस 220 वोल्ट की में जाएगा, और यहाँ पर माइनस के बाद फिर से यहाँ पे 0 वोल्ट होने लगा। ऐसे जाते जाते यहाँ पे फिर से यहाँ पे 0 वोल्ट में चला जाएगा, फिर यही क्रम यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पर प्लस वोल्ट में जाएगा और दूसरी बार फिर से ये माइनस वोल्ट में जाएगा। यह जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि एक सेकेंड में यह 220 वोल्ट प्लस में गया, तो यहाँ 220 वोल्ट माइनस में गया, फिर यहाँ 220 वोल्ट प्लस में गया, फिर यहाँ 220 वोल्ट माइनस में गया। यह प्रक्रिया एक सेकेंड में 50 बार होती है, और यह फेज और न्यूट्रल दोनों में यह प्रक्रिया होती है, किसी एक में नहीं। यह न्यूट्रल वाला जो सिरा होता है वो भी एक सेकेंड में 50 बार इस तरह से बदलता है, और प्लस वाला जो सिरा होता है, जो फेस होता है, वो भी जो है एक सेकेंड में 50 बार होता है। यह सिर्फ एसी विद्युत में ही होता है। इसको हम हर्ट्ज में दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है एच जेड, यानी कि हर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। अब देखे होंगे दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जहां से हमारा इनपुट सप्लाई देना होता है वहां पर लिखा होता है 220 वोल्ट एसी, और नीचे में लिखा होता है 50 एच जेड, यानी कि हर्ट्ज। 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज, ऐसे करके किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे लिखा होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल किसी भी डिवाइस में या इलेक्ट्रिकल किसी भी मशीन में, चाहे पंखा हो, प्रेस हो या चार्जर हो, हमें ये नहीं देखना होता है कि इसको प्लस का सिरा प्लस यानी न्यूट्रल का सिरा न्यूट्रल के साथ जोड़े और फेस का सिरा फेस के साथ जोड़ा, ऐसा ध्यान देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस चाहे न्यूट्रल का सिरा हो या फेस का सिरा हो, दोनों में यह समान चेंजिंग होती रहती, यानी कि दोनों की क्वालिटी जो है समान चेंज होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि चाहे चार्जर हो या प्रेस हो, चाहे पंखा हो, किसी को भी हमें विद्युत के साथ जोड़ते समय ध्यान नहीं देना होता है कि न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ लग रहा है या फेस फेस के साथ लग रहा है। हम चाहे न्यूट्रल के साथ फेस को जोड़ें या फेस के साथ न्यूट्रल को जोड़ें, चाहे किसी भी तरह से जोड़ेंगे, वो चलता है, वो सीधा ही चलता है। जो उसका काम रहेगा वो करता है। क्यों करता है?
तो उसमें जो है पोलरिटी समान होती है, उसमें जो है अलग अलग नहीं होता है, न्यूटन में भी चेंज होता है और प्लस में भी चेंज होता है, इसीलिए हमको ध्यान देना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले समय से पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा।